हेलो प्यारे दोस्तों कैसे हालचाल है आपकी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि उसमें हम ये बहुत ही प्यारा सा क्लीन मेकअप लुक करने वाले हैं अब बहुत समय हो गया है कि मुझे क्लीन मेकअप बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक तो वो क्विक है ईजी है एंड बहुत नेचुरल दिखता है स्पेशली जब आप की उम्र बढ़ती है ना तो आपकी स्किन पर साइंस आने शुरू हो जाते हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप पहनते हैं तो विजिबली बहुत ज़्यादा दिखता है सो जितना आप कम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जितना कम से आपकी स्किन फ्लॉलेस दिखती है उतना बहुत ज़्यादा से नहीं दिखती इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप कम प्रोडक्ट यूज करके आप एक क्लीन मेकअप लुक अचीव कर सकते हैं जो कि एवरी के लिए बहुत ब्यूटीफुल है वैसे भी आपकी स्किन ज्यादा यूथफुल लगती है फ्यूचर में मैं और भी ऐसी वीडियोज बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी टिप्स एंड ट्रिक्स की आपकी अगर स्किन की एज बढ़ रही है आपकी एज बढ़ रही है और स्किन पे साइंस आ रहे हैं तो आप कैसे मेकअप टेक्निक्स यूज़ करें कि आपकी स्किन जो है यूथफुल लगे एंड आप जवान लगें जहान लगें वैसे मेरी उम्र अभी काफ़ी ज़्यादा बची हुई है सो um, so, मैनू अभी ये चिंता नहीं है पर यह फ्यूचर के लिए मैं रेडी हो रही हूँ अगर आप मुझे लंबे समय से जानते होंगे आपको पता है कि मेरी उम्र क्या है सो so, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं सो विदाउट फर्दर ड्यू जल्दी से शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ इस वीडियो में ये भी है कि आपको कम प्रोडक्ट यूज़ करने हैं क्लीन मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए और आपके चेहरे पर स्कार्स हैं स्कार्स को भी छुपाना है सो so, कैसे स्कार्स को छुपाएँ कम प्रोडक्ट यूज़ करते हुए ताकि आपका स्किन केकी नहीं लगे एंड फ्लॉलेस लगे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी सो so, ये सर yes, शुरुआत करते हैं और लट प्यारे दोस्तों शुरुआत करेंगे सनस्क्रीन के साथ क्योंकि सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है सो so, मैं मेरी स्किन केयर के लिए आजकल क्या क्या कर रही हूँ मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी सो so, सनस्क्रीन के लिए मुझे सुपर गुप सनस्क्रीन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरे चेहरे पे दिखता नहीं है क्योंकि हमारी स्किन ब्राउन है और कोई भी रेगुलर जो सनस्क्रीन होता है वो आपके चेहरे को सफ़ेद कर देता जो फिनिश मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है अगर आप अफोर्डेबल ऑप्शन चाहते हैं तो मैं स्क्रीन पे उसका पिक्चर छोड़ दूँगी ये है अवीनो का एस पी एफ फिफ्टी इतना मज़ेदार सनस्क्रीन है कि अगर आपके चेहरे पर स्कारजीन ना ये सनस्क्रीन ही एक अलग सा ग्लो दे देता है आपके चेहरे को तो आप वो ट्राई कर सकते हैं सो so, बिकॉज ये वीडियो जो है अफोर्डेबल होने वाली है तो हम अफोर्डेबल प्रोडक्ट ही यूज़ करेंगे मुझे मेरे चेहरे पर ये वेट एंड वाइल्ड का फोर फोकस फाउंडेशन यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है किज़ ये क्लीन मेकअप है तो हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे क्लीन मेकअप का पर्पज़ ये है कि कम से कम प्रोडक्ट हो और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लीन लगे नेचुरल लगे uh, तो इसलिए हम फाउंडेशन यूज़ करेंगे और सिर्फ मैं मेरे स्कार्स वाले एरिया पर लगाऊँगी सो so, बो लाइक डॉट डॉट हेयर टाइनी बिट हेयर हेयर अब मेरे जो फाउंडेशन है उसकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि इसको थोड़ा सा देर सेट होने देती हूँ जब ये थोड़ा सेट हो के मैं ब्लेंड करती हूँ ना तो बहुत अच्छी कवरेज आती है तो इसे हम छोड़ देंगे अब मैं फिटमी का नन्ना सा कंसीलर लेके मेरी आईज़ पे लगाने वाली हूँ नो मैं थोड़ा फेस को यूजली मैं मेरे फाउंडेशन को ही ब्लेंड कर देती हूँ मेरी आईज़ पे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है पर आज मैं थोड़ा सा कंसीलर लगा रही हूँ क्योंकि जब तक वो मेरी फाउंडेशन um, सेट होता है तब तक मेरा आई का काम थोड़ा सा मुक जाए सो so, इसे हम डबिंग मोशन में ब्लेंड करेंगे ताकि जो भी डिस्कलरेशन है वो छुप क्लीन मेकअप का पर्पस है कि डिस्कलरेशन जो है थोड़ी सी दिखती भी रहे तो कोई बात नहीं है बिल्कुल हम ऐसे पेंट की तरह नहीं लगाए हमारे चेहरे पे कुछ भी सो so, अब दो चार मिनट हो गए हैं मेरे फाउंडेशन को अब डबिंग मोशन में इसे भी ब्लेंड कर देते हैं सो so, मैंने कौन से प्रोडक्ट यूज़ करे हैं उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी मेरे शेड्स भी मैं कौन से शेड्स यूज कर रही हूँ बाय द वे मैं वेट एंड वाइल्ड का ये जो फूड फोकस फाउंडेशन है इसका गोल्डन बेज यूज कर रही हूँ और इस फाउंडेशन की फिनिश मैट है क्योंकि दो डिफरेंट काइंड के आते हैं एक है डुई एक है मैट सो so आज मैं मैट यूज करने वाली हूँ ये फाउंडेशन सॉर्ट ऑफ फुल कवरेज है सो so इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया क्योंकि इसी को हम स्प्रेड कर देंगे सारे चेहरे पर अब आइज़ के नीचे भी इसी को लगा देंगे अलग से कंसीलर नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करने हैं तो आपको एक क्विक जानकारी देने के लिए आई हूँ मैं कि, कि फ्लॉलेस मेकअप के एप्लीकेशन के लिए ब्रशेज का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मैंने ये लॉन्च किए हैं ये बहुत ही प्यारे एट मेकअप ब्रशेस जिनका एक ये सेट है जिससे आप पूरा मेकअप की लुक अचीव कर सकते हैं फ्लॉलेस और ये जो ब्रशेस हैं ये भी मेरी सिमॉर लाशेज़ डॉट कॉम पर अवेलेबल हैं और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हैं जल्दी से आप जाएं और ख़रीद लें आपको बहुत मज़ा आने वाला है ये ब्रशेस को यूज़ करके यस लुक एट दीज ब्यूटीज़ सब so, मैं लेने वाली हूँ पाउडर पाउडर के लिए मैं यूज़ करूँगी कोई सा भी डार्क पाउडर मे के जो सेटिंग पाउडर्स हैं ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बहुत ही क्रीमी है और उनको ब्लेंड करना बहुत आसान होता है पर आज मेरे पास है नहीं सो so, मैं यूज़ करूँगी वेटन वाइल्ड का ब्राउनज़र इससे हम हमारे फेस को थोड़ी शेप देंगे पाउडर मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करने अच्छे नहीं लगते क्योंकि पाउडर बहुत नेचुरल फिनिश देते हैं और ऐसे नहीं लगता कि आपका फेस बहुत ज़्यादा केकी है जितने क्रीम प्रोडक्ट जितने लिक्विड यूज़ करोगे उतना ही फेस केकी सा लगेगा जो हमें नहीं चाहिए सो so, इसलिए मैं कुछ पाउडर यूज़ करना पसंद करती हूँ एज आ थोड़ा सा हम हमारे फेस को शेप देंगे और इससे वो फाउंडेशन वाला एरिया सेट भी हो जाएगा क्योंकि पाउडर आइए हेयर लाइन पे थोड़ा सा सो so, ब्लश के लिए मैं यूज़ करूंगी नेक्स्ट का ब्लश इसका नाम है स्वीट चीक्स ये भी मैट पाउडर है बहुत ही प्यारा 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 सा ब्लश है ये ब्रश आप दिल खोल के यूज़ कर सकते हैं क्लीन मेकअप में क्योंकि बहुत अच्छा लगता है वैसे ही इसको ज़्यादा दिल खोल के मत यूज़ करें क्योंकि इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है सो so, जब मैं लेती हूँ मैं ढक्कन पे थोड़ा डैप कर देती हूँ ताकि एक्सेस उतर जाए अब एप्पल्स पेल लगा लेंगे स्माइल करें ये स्टेप हो चुका है अब आप हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हाइलाइटर बहुत अच्छा लगता है मैं यूज़ करूँगी मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर uh, इसका नाम है ब्राउन स्किस बहुत ही प्यारा सा ये हाइलाइटर है ब्राउन स्किन के लिए अब वैसे मैं यूजली हाइलाइटर यूज़ नहीं करती हूँ बहुत कम अमाउंट में यूज़ करेंगे कुछ इस तरह का टाइनी सा ब्रश लेके सारे को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे लिटिल बिट हमारे हाई पॉइंट्स पे लगाएंगे अब हाइलाइटर लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आपके टेक्सचर है या फिर अन ईवनसी स्किन है ना वहाँ पे मत लगाना क्योंकि हाइलाइटर वो चीज़ को हाईलाइट कर देगा और हमें बिल्कुल नहीं चाहिए कि हमारी इनपरफेक्शन बहुत ही ब्राइटली दिखें तो वहीं पर लगाएँ जहाँ पर आपकी स्किन थोड़ी स्मूथ किस्म की है चिन पर लगा लूंगी मैं फोर हेड पे अगर आपको लगता है ज़्यादा है तो फाउंडेशन ब्रश के साथ डब 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 कर दें ताकि वो छुप जाए तो so, इस तरह हमारा फेस मेकअप हो चुका है फ़ेस मेकअप को सेट करना है थोड़ा सा ताकि Uh, जो क्रीमी प्रोडक्ट हमने लगाया है फाउंडेशन वो सेट हो जाए अगर आप फाउंडेशन स्किप करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कोई भी कंसीलर uh, के साथ स्पॉट कंसील कर सकते हैं मुझे फिटमी नेबलिंग के कंसीलर बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्हें ब्लेंड करना बहुत आसान है और कलर वैरायटी बहुत अच्छी है आपको अपनी स्किन जैसा कलर मिल जाएगा और स्कार्स को छुपाने के लिए जब आप कंसीलर यूज़ करते हैं तो आपको कोशिश करें कि जो भी आप कंसीलर यूज़ करें आपकी स्किन के साथ बहुत अच्छी तरह मैच करता हो अगर लाइट यूज़ करेंगे तो वो हाईलाइट करेगा कवर नहीं करेगा फ्यूचर में मैं एक और आपके साथ प्रोडक्ट शेयर करूंगी जिससे आप बहुत ही मज़ेदार डार्क स्पॉट्स को कंसील कर सकते हैं वो वीडियो आने वाली है जल्दी सो so, उसकी वेट करनी पड़ेगी आपको सो so, फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी लॉरियल का इनफेलेबल ट्वेंटी फोर आवर वेयर फाउंडेशन ये पाउडर फाउंडेशन है एक तो इसकी अपनी एक कवरेज है दूसरा इससे फाउंडेशन भी सेट हो जाएगा एक्स्ट्रा थोड़ी सी कवरेज मिल जाएगी इससे मैं मेरे इस ब्रश पे लेके थोड़ा सा डैप कर दूँगी उस एरिया में जहाँ पर मैंने कोई पाउडर नहीं यूज़ किया क्योंकि जहाँ पर ब्लश यूज़ किया है वो भी सेट हो गया जहाँ पर ब्राउनजर वो भी सो so, लाइटली बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं हमें लगानी है लाइटली सो दिस इज हाउ वी आर डन विद आर फेस मेकअप अब हम आई मेकअप करेंगे बहुत ही क्विकली क्लीन गर्ल उसके लिए मैं ये पैलेट यूज़ करूंगी ये बहुत ही प्यारी मारफी की पैलेट है इसका नंबर है थ्री बी एंड शेड का नाम है प्योर नूड इसमें प्यारे से तीन शेड्स हैं जिसके साथ आप काफी लुक्स क्रिएट कर सकते हैं सबसे पहले मैं ये ब्राउन यूज करूँगी मेरी पूरी आई पे सो so, हम ये राउंड टिप ब्रश यूज करेंगे एंड ब्राउन शेड को लेके हमारी क्रीज़ में लगा लेंगे बाहर की तरफ से अंदर की तरफ इनर आई कॉर्नर पे एंड क्रीज़ पे जल्दी जल्दी ब्रश के वो मारेंगे क्योंकि ज़्यादा हमें बहुत ही परफेक्शन uh, नहीं चाहिए हमें नेचुरल सी आई लुक चाहिए सो so, इसी तरह इस तरफ कर लूँगी मैं कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करें कोई ज़्यादा कंसीलर नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये क्लीन लुक है ज़्यादा आपको टशन मारने की ज़रूरत नहीं है अब जो मेरी लट बची है उस पर मैं ये पिंकिश ब्लशी किस्म का शेड लगाऊंगी सेम ही ब्रश यूज़ कर लेंगे और सारी लिड पे मैं लगा लूँगी एक तो ये फ्रेश है क्लीन है ब्यूटीफुल है अच्छा लगेगा ये सो so, इसी तरह इसी ब्रश पे ये दोनों शेड्स को मिक्स करके मैं लोअर लाश लाइन पे लगा लूँगी कुछ ओवर द टॉप नहीं करेंगे बस बहुत ही नेचुरल सा रखेंगे हमारी आई लुक को सो दिस इज़ डन अब मैं क्या करूँगी जो मैं आईब्रोज़ के लिए यूज़ करती हूँ ना लॉरियल की ये जेल इसे मैं एक बहुत ही प्यारे से एंगल ब्रश पे लेने वाली हूँ मैं आईलाइनर के लुक क्रिएट करूँगी पर बहुत ही सिंपल सो so, मेरी आई के कॉर्नर से इस तरफ जैसे एक विंग निकालूँगी स्ट्रेट ज़्यादा उसे हम टिल्ट नहीं करेंगे कुछ इस तरह का ज़्यादा कुछ नहीं बस एन्ना यू आई कैन सी आई एम डन इसी तरह मैं इस तरफ करूँगी अब थोड़ा सा मैं कॉर्नर पे लूँगी एंगल ब्रश के इस कॉर्नर में और मेरी इनर आई टीयर डक पे भी लगा लूँगी ताकि इससे भी थोड़ा सा कलर मिल जाए राइट अब जो हाईलाइटर मैंने यूज़ किया है ना मेरी फेस पे उसी को किसी पिद्दे से ब्रश पे लेके छोटा सा एक ब्रश लिया है मैंने उस पर मैं ये हाईलाइटर के कलर्स को मिक्स कर लूँगी एंड मेरे टीयर डग पर लगाऊंगी ताकि ये थोड़ा हाईलाइट सा लगे अदरवाइज बेचारा ना बहुत धुंधला सा बोरिंग सा हो जाता है सो so, इस तरह हो गया है ये अब जल्दी से हमारे आईब्रोज़ को बना लेते हैं पर हम आई को थोड़ा हल्का फुल्का रखेंगे ज़्यादा डार्क नहीं रखेंगे क्योंकि मेरे जो बाल है वो भी लाइट है आजकल राइट सो एंगल ब्रश पे लिया है मैंने जेल um, को so, यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करेंगे एंड ऊपर की तरफ ब्रशेस मारेंगे जैसे कि हमारे नेचुरल बालों की ग्रोथ होती है दिस इज़ डन एंड इसी ज़रा मैं ऊपर से भी थोड़ा इनको फिल कर देती हूँ ताकि ऊपर खापड़ नहीं लगे सो वी आर डन सो सिंपल ज़्यादा कुछ नहीं नेचुरल क्यूट सो बहुत ही सिंपल प्यारा नेचुरल क्यूट सा आईब्रो को फिल कर लेंगे बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे कि बिल्कुल ना स्ट्रेट लाइंस क्योंकि हमें थोड़ा ना ऐसे ही रखना है सिंपल सो so ये ब्रश लूँगी मैं बहुत हल्के तरीके से इसको सेट कर लेंगे ताकि डार्क नहीं हो जाए ज़्यादा बहुत डार्क नहीं करना चाहती हूँ मैं सो दिस इज इट ये हो गया है हमारा प्यारा सा आई मेकअप रेडी अब हम मस्कारा यूज करेंगे मस्कारे के लिए मैं यूज करती हूँ लॉरियल पेरिस का पेरिस लॉरियस लॉरियल पेरिस का लैश पैराडाइज बहुत ही प्यारा मस्कारा है ये और रब की दया के साथ मेरी आई की ग्रोथ नॉर्मल हो चुकी है अब क्योंकि जब मैंने लैश एक्सटेंशन कराए थे ना वो कट देते दे हैं आपकी लैशेज़ को सो so, आप दिल खोल के मस्कारा लगाएं चार पांच कोट जैसे भी आपको अच्छा लगता है मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी वो इसलिए क्योंकि मैं, मैं लैशेज लगाती हूँ क्योंकि मैं लैशेज़ की क्वीन हूँ अपने ख्यालों में ही जब आप अच्छी अमाउंट में मस्कारा लगा लेते हैं ना आपकी लुक कंप्लीट होगी मेक श्योर करें कि लोअर लैश लाइन पर भी लोअर लैशज पर भी लगाएं क्योंकि उससे आपकी आंखें बहुत ओपन एंड वाइड खुली हुई लगती हैं आप अवेक लगते हैं यो गाइस कैन सी अ डिफरेंस टाइनी बिट मस्कारे से ही डिफरेंस क्रिएट हो जाता है सो so, ये हो गया है हमारा आई मेकअप मैं लैशेस लगाऊंगी वो बाद में लगाते हैं पर मैं आपके साथ एक लिप शेड शेयर करना चाहूँगी बहुत ही प्यारा सा लिप शेड मिला है मुझे आई होप अच्छे होगा तो ये लिप शेड है नूड बाय नेचर नूड बाय नेचर मैंने पहली बार इनकी लिप शेड्स खरीदे हैं और ये शेड का नाम है री री बैरी इसका नाम है री और ये मैट फिनिश की लिप शेड्स हैं बहुत ही प्यारे कलर्स हैं ये एंड ये वाला शेड मैं लगाऊंगी मुझे आजकल ये काफ़ी प्यारा लग रहा है वैसे आप कोशिश करें कि लिप लाइनर लगा ले पहले क्योंकि फिर वो लंबा टिकता है एंड अच्छी तरह फिल होते हैं लिप्स अगर आपके लिप्स मेरी तरह पिद्दी है वैसे तो इसकी मैट फिनिश है पर फिर भी मेरे लिए थोड़ा सा शिमरी एंड थोड़ा सा शाइनी है सो मैं इसको टिशू की मदद के साथ मैट सो so, अब ये शेड मेरे लिए प्यारा एंड फुल ऑन क्यूट हो जाता है ये सारे प्रोडक्ट्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी अब ये प्यारा सा मेकअप लुक हमारा तैयार हो चुका है यू गाइस कैन सी हाउ प्रिटी नेचुरल एंड क्लीन लुक इट दिस इज़ अब मैं लैशेज लगा के वापस आती हूँ जो लैशेज़ का मैं स्टाइल यूज़ करूँगी वो है टुलूम अगर आप खरीदना चाहते हैं मेरी लैशेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड uh, मेरी खुद की एक लैश लाइन है जिसका नाम है सिमॉर लैशज बहुत ही प्यारी लैशज हम उस पर सेल करते हैं एंड आप ज़रूर से अपना पेयर खरीदें एंड अपनी लुक को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देखिए कितना डिफरेंस लगता है ना ये जो नैशेस है बहुत ही नेचुरल से दिखती हैं बहुत सारे स्टाइल्स हैं मेरे पास कुछ ड्रामेटिक हैं कुछ पार्टी पार्टीवेयर हैं कुछ बिल्कुल नेचुरल है पर मुझे ये टुलूम है ना जो ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है रोज़मरा की ज़िंदगी में पहनने के लिए सो ये आप ट्राई कर सकते हैं आप डिफरेंस देखिए कितना प्यारा लग रहा है राइट ऑलराइट right, प्यारे दोस्तों तो इसी तरह हमारा क्लीन मेकअप लुक तैयार हो जाता है आप अगर के बाल ऑयली हैं तो वो उसमें चार चांद लगा देंगे क्योंकि वो वैसे ही चिपके हुए रहते हैं ते हैं मेरे बाल काफी ज्यादा ऑयली है जिससे मैं परेशान नहीं हूं वैसे क्लीन लुक मिल जाती है मुझे आराम से सस्ते में सो so यस yes, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट है कि आप कौन सा मेकअप लुक देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट बार में छोड़ें मैं मिलूंगी आपको नए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों यू वेज अ ब्यूटिफुल द वे यू आर स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉग वेगा इस कैन डू एनी फ्री किंग थिंग थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन दैट्स इट टी पीजी बाय आई लव यू Oh